गाइस, मैं हूं आपके साथ एंडी और आप देख रहे हैं बीन देसी। और आज की इस वीडियो में थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आज आपके साथ करने वाला हूं, और शायद ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल होगी जो या तो अपनी वेबसाइट बनाने वाले हैं या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग या फिर वेबसाइट्स का ही प्रोफेशन है उनका या फिर वो उन्हीं का काम करते हैं। तो उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आज मैं बनाने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं कि आपने सुना होगा टेम्पलेट मॉन्स्टर के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो दोस्तों ऊपर एक आई बटन आया होगा, आप उस आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वो एक स्पॉन्सर्ड वीडियो थी और ये वीडियो भी एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है, पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि फिर बाद में लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ चीज़ समझ ना आए तो। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। दोस्तों आपने उस वेबसाइट के बारे में अगर सुना हो तो उसका एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसका नाम है मोटो सी एम एस। मोटो सी एम एस दोस्तों एक आप कह सकते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग की बहुत ही बड़ी जानी मानी एक साइट है जिसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। वो बहुत पहले से इस चीज़ में काम कर रही है तो शायद आपके लिए वो उसका नाम अगर आपने सुना होगा तो ये अच्छी बात है, और अगर आपने ना सुना हो तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके साथ दोस्तों टेम्पलेट मॉन्स्टर ने कोलैब करा है और वो उन्होंने करा है पे पर डेमो, इसके नाम से उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू करा है। तो उस प्रोग्राम में क्या हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक वेबसाइट डिजाइनर हैं या फिर अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें आप उनका कोई भी डेमो चूज कर ले सकते हैं 14 दिन के लिए। और अगर आपको अच्छा ना लगे तो दोस्तों आप उसको यूज नहीं कर सकते, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ आपको साइट की तरफ लेकर और आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो यूज आप उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं उस साइट की तरफ और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वो साइट motocms.templatemonster.com। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, तो आप वहीं से जाइए और ये आप देख सकते हैं ये कुछ साइट के फीचर्स हैं, आप ऊपर देख सकते हैं सारे फीचर्स। तो ये उन्होंने अच्छे से साइट को डिस्क्राइब कर रखा है, तो आपको सिंपली जाना है, मैं आपको बता देता हूँ सिंपली, बस आपको ये साइट दिख रही है तो उससे पहले हम गेट स्टार्टेड पे जाएं। आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ से एक ईबुक आपको मिल सकती है और उस ईबुक को यूज़ करके आप अपनी साइट पर पहले 1000 जो विजिटर्स हैं उनको ला सकते हैं। और वो दोस्तों जो ईबुक है वो फ्री है और काफ़ी यूज़फुल उन लोगों के लिए होगी। तो टेम्पलेट मॉन्स्टर प्लस मोटो सी एम एस के कोलैब में चलते हैं, गेट स्टार्टेड करते हैं। तो अब हम चलते हैं इनके कोलैब की तरफ यानी कि इस साइट की तरफ जहाँ पर हमें जाना है। तो दोस्तों उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे नॉर्मल फीचर जो मैंने अभी आपको बताए, तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब हम सिंपली जाएंगे गेट स्टार्टेड पे, आप देख सकते हैं सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम सिंपली फोटोग्राफर पे क्लिक करेंगे तो फोटोग्राफर पे हमें बस ये फोटोग्राफर से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो दिखाएगा। तो वो सारे जो टेम्पलेट्स हैं उनको हम ट्राई कर लेते हैं। तो एक टेम्पलेट हम ट्राई करेंगे, हमारी ई मेल आई डी हमें बस एंटर करनी है क्योंकि जो टेम्पलेट है वो सीधा हमारी ई मेल आई डी पे जाएगा, तो उसे हम एंटर कर देते हैं यहाँ पे। एंड स्टार्ट ट्रायल करने के बाद हमें दोस्तों सिंपली ये बता रहा है कि यहाँ पर आ रहा है, तो ये दोस्तों आएगा एक पॉपअप, इसको आप ओके कर लीजिए। तो ये आपका एक टाइप का एग्रीमेंट होता है, वो आपको एग्री करना पड़ेगा, उसके बाद एक और बार कर लीजिए और फिर क्लोज कर लीजिए और फिर आपको जाना है अपने मेल की तरफ और आपको अपना मेल चेक कर। तो दोस्तों आपको जो मेल है वो मिलेगा आपको अपनी जो नॉर्मल आपका होता है जो अपडेट है, अपडेट सेक्शन में आपको वो मेल मिलेगा। मेल ओपन करने के बाद आपको कंफर्म रजिस्ट्रेशन करना है, आप उसके बाद रिडायरेक्ट हो जाएंगे एक वेबसाइट की तरफ जो इसका बिल्डर है, तो आप उस बिल्डर की तरफ रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा बिल्डर है वो यहाँ पर लोड हो रहा है। तो उसके बाद आपके पास 3-4 ऑप्शन आएंगे, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे। तो यहाँ पर ये थोड़ा लोड हो रहा है क्योंकि बिल्डर को लोड होने में टाइम लगता है, तो फिलहाल वो हमारा लोड हो चुका है बिल्डर और वो साइट फिलहाल अब हमारी खुल चुकी है। तो यहाँ पर एडिट ब्लॉग, वेबसाइट सेटिंग्स और एडिट पेजेस ये करके लिखा हुआ है, तो हमें सिंपली जाना है एडिट पेजेस पे। और एडिट पेजेस पे जाने के बाद हमें यहाँ पर पूरा व्यू आप देख सकते हैं बिल्डर का मिलेगा, एडिटर का। और आप ऊपर ये ऑप्शंस देख सकते हैं, 4 ऑप्शन ये आप देख सकते हैं, एक इनमें से मैक के लिए है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पीसी के लिए है, दूसरा वाला जो है ये टैबलेट के लिए है, आप देख सकते हैं ये टैबलेट व्यू के लिए, तीसरा वाला फैबलेट और चौथा वाला मोबाइल व्यू के लिए। तो हम यहाँ पे टैबलेट व्यू पे चल के देखते हैं कैसा लगेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टैबलेट व्यू में कुछ इस तरीके का आता है और फैबलेट व्यू में कुछ इस तरीके का आता है और मोबाइल व्यू में उससे भी छोटा आता है, तो जिससे आप अपने हिसाब से उसको एडिट कर सकें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिटिंग ऑप्शन यहाँ पर आपको आ रहे हैं, हर चीज़ यहाँ पे कस्टमाइजेबल है, तो आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर अपना नाम लिख लेते हैं, तो जैसे आप यहाँ पर ट्विटर है तो कुछ चीज़ होती है जो छूने की मतलब छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती और
अगर आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप बाई चांस पिंटरेस्ट पे ना हो तो वो कर सकते हैं। तो ये हेडलाइन पे, तो हम इसे टैगलाइन पे करेंगे, तो टैगलाइन पे करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा जैसे था, और आप देख सकते हैं जो वाइट था फिर वो हो गया। फिर उसके बाद फेसबुक है, तो फेसबुक पे जाने के बाद हम उसको एडिट करेंगे एंड इसको बीइंग कर देंगे। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एडिटिंग थोड़ी मतलब अजीब सी आपको लग रही होगी, क्योंकि वो एक टाइप का एडिटर है। तो हमने इसको बींग जैसी करा, तो पहला अक्षर जो आप देख सकते हैं फर्स्ट वर्ड, वो वाइट कलर में है, तो उसको हम टैगलाइन पे जाके पूरा एकदम वाइट कलर में कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल उनसे मैच खा रहा है, और बाकी सारे आपको एडिटिंग ऑप्शंस मिल सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पब्लिशिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं, और आप ऐसे ही अपनी साइट को बिल्कुल एडिट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको मैं हिदायत दूं तो आप हर 14 दिन में अपना टेम्पलेट चेंज भी कर सकते हैं। ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि एक आदमी एक टेम्पलेट मतलब ही ले सकता है साइट से, आप जितने चाहें उतने टेम्पलेट्स इनकी साइट से ले सकते हैं और मज़े उठा सकते हैं। तो हाँ, हर 2 हफ्ते में यानी कि हर 14 दिन में आप अपना टेम्पलेट बदल सकते हैं। तो दोस्तों कामना करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल भी